शिवपुरी में शुरू हुआ गौ रोटी बैंक घर घर जाकर इकट्ठा करेगी रोटी। शिवपुरी नगर पालिका के द्वारा आज से गौ रोटी बैंक की शुरुआत की जा रही है, जिसकी शुरुआत आज मानस भवन में जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और पूर्व विधायक प्रहलाद भारती के द्वारा की जाएगी। नगर पालिका शिवपुरी के सीएमओ शैलेश अवस्थी ने बताया कि गौ रोटी बैंक की शुरुआत आज शिवपुरी में की जा रही है। इस रोटी बैंक की शुरुआत हो गई है, वार्ड वार्ड घूमेगी और रोटियां इकट्ठा करेगी, जिसके चलते उक्त रोटियों को गौशाला में गौवंश के लिए भेजा जाएगा। देखिए, शहर में एक हमारा ये नवाचार है, इनोवेशन हमने किया है कि शहर में अपनी भावनाएं होती हैं, हर व्यक्ति हमारे घरों में पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, लेकिन गायें उपलब्ध नहीं होती हैं। अगर शहर में हम उन्हें खिलाते हैं तो वो फिर सड़कों पे घूमती हैं और आवागमन में बाधा पैदा करती हैं। तो हमने नगर पालिका ने एक ये डेडिकेटेड गाड़ी उनके लिए बनाई है, ये घर घर जाके रोटियां कलेक्ट करेगी। जो लोग भी गाय के लिए रोटियां ले जाना चाहते हैं वो इसमें देंगे और उन रोटियों को हम ये गाड़ी गौशाला में पहुँचाएगी, तो वो गायों के काम आएगी, तो हमारे जो गौवंश है उसका भी संरक्षण होगा और जो गोदान का पुण्य लाभ है वो भी लोगों को। अच्छा, इसका रूट किस तरह से तय हुआ करेगा? अभी हम इनको शुरुआती 2-3 वार्डों में शुरू करेंगे और उसका हम देखेंगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम इसको पूरे शहर में ये गाड़ी जाएगी, या और आवश्यकता होगी तो हम ऐसी और गाड़ियाँ चलाएंगे। सर, इसकी कोई टाइमिंग रखी है? सर, टाइमिंग इसकी गाड़ी की सुबह के रोज सुबह जाएगा ये बस इनॉग्रेट हो गई, कल से चालू हो जाएगी। अन्य सामान भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी अपील ये है जनता से कि सूखा सामान डालें या सब्जियां भी हम दें तो सब्जियां ड्राई डालें, जो अच्छी सब्जियां हों, खाने योग्य सब्जियां हों, ताकि वो स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां और रोटियां गौवंश के पोषण के काम आ सकें। सर, क्या मध्य प्रदेश में इस तरह की और भी गाड़ियाँ चल रही हैं नगर पालिका? जानकारी में ये हमारा पहला इनोवेशन है। जनता से अपील रहेगी कि विदाउट पॉलिसी